हेलो दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले बता दूं, आज का विषय हैव टू हैज टू का नेगेटिव फॉर्म सीखना है। इसका रूल है सब्जेक्ट डू डज डिड प्लस नॉट प्लस हैव प्लस टू। यदि वाक्य प्रेजेंट में हो डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करेंगे, यदि पास्ट में हो तो डिड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मुझे किसी के खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोलना है, आई डोंट हैव टू स्पीक ill of others। मुझे VIP कल्चर नहीं अपनाने हैं, आई डोंट हैव टू adopt VIP कल्चर। मुझे दूसरों को धोखा नहीं देने हैं, आई डोंट हैव टू deceive others। मुझे यहाँ नहीं रहना है, आई डोंट हैव टू लिव हियर। यदि ये पास्ट में हो उस कंडीशन में डिड का इस्तेमाल होगा। जैसे मुझे किसी के खिलाफ अनाप शनाप नहीं बोलना था, आई didn't have to speak ill of others। मुझे VIP कल्चर नहीं अपनाना था, आई डिडंट हैव टू adopt VIP कल्चर एटसेट्रा। फ्रेंड्स, above सेंटेंसेस forbid us फ्रॉम डूइंग evil वर्क। सच सेंटेंसेस आर widely spoken थ्रू आउट द वर्ल्ड। नाउ लेट्स हैव passage विद हैव टू। उदाहरण के तौर पे, आई डोंट हैव टू गो अवे फ्रॉम हियर। मुझे यहाँ से नहीं जाना है, आई हैव टू nurture अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड among masses, then I shall leave this place। मुझे यहाँ के लोगों में भाईचारा नर्चर करना है, डेवलप करना है, लोगों के बारे में सोचना है, उनका केयर करना है। NURTURE, nurture means केयर करना। इसमें हमने have to का इस्तेमाल किया था, खुद से पता करें। Next, seeing the room in disorderly state, I thought that someone had ransacked this place। कमरे को जैसे तैसे देखकर मैंने सोचा किसी ने इस स्थान पर ransack किया है, यानी हमला किया है। RANSACKED, ransacked, यानी हमला किया। Yet I don't have to speak against anyone। फिर भी मुझे किसी के खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, क्योंकि मैंने देखा तो नहीं। खैर, लेट बाईगोन बी बाईगोन, जो हुआ सो हुआ, आगे केयर किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इनका इस्तेमाल सीखा। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। थैंक यू।